Samsung M31 स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग विदाउट थर्ड पार्टी ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के मदद से। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने वाले नहीं है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको जो है कोई गेमिंग रिकॉर्ड करना है और आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना नहीं चाहते, आप अपने मोबाइल के जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डर उसी को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप सर्च करके देखें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन वो होते हैं आपकी डिवाइस में, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे सर्च करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सिंपली जो है अपने मोबाइल के गेम को ओपन करना होगा। अगर आप सेटिंग पर जाके दोस्तों उसको सर्च करने की कोशिश भी करें, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा। फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके मदद से। ठीक है, यह है दोस्तों ड्यू रिकॉर्डर। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है तो आपको नीचे पे मिलेगा एक गेम बूस्टर। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ गेमिंग पे ही काम करते हैं। ठीक है, आप बाहर का स्क्रीन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकते इससे। आप इसके मदद से दोस्तों सिंपली अपने गेमिंग के स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते बिल्कुल अच्छे तरीके से विथ माइक्रोफोन। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है गेम बूस्टर में, उसके बाद आपको मिलेगा इस रिकॉर्ड का ऑप्शन, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे नीचे में क्लिक करके आप गेम बूस्टर को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, परमिशन वगैरह दे देना है और स्टार्ट नाउ कर देना है। फ़िलहाल दोस्तों मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो डबल स्क्रीन रिकॉर्डर आप भी मत यूज़ कीजिएगा। मैं ऊपर में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे में अगर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर मैं दूसरा डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड यूज़ करना चाहूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही बार में आपको एक ही स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करना है। ठीक है, और दोस्तों किसी के पास में अगर कोई यहाँ पे गेम बूस्टर नहीं है तो उनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही यूज़ कीजिए। ठीक है, डियो रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकते, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आपको क्वालिटी भी मिलेगा और रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से होते हैं, सारे साथ एजेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करके देख सकते, हो सकते हैं आपको गेम बूस्टर मिल जाए और उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो बस दोस्तों यही था स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेटिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।